हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग पीएलसी पर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई चीज़ ऑटोमेटिक करनी है, जैसे कि आपकी स्ट्रीट लाइट है या वॉशिंग मशीन है, तो उसका जो उसके पीछे जो लॉजिक है वो कैसे काम करता है, उसका बेसिक क्या है, ये सब हम आगे चल के सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में हमें प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं बेसिक गेट्स के, ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ बने और आगे चल के हम लोग फिर स्ट्रीट लाइट का, वॉशिंग मशीन का, कार पार्किंग का, ये सारे प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आज सीखेंगे पीएलसी की प्रोग्रामिंग में कि बेसिक गेट्स कैसे बनाए जाएं। बेसिक गेट्स में आपके कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आपका आता है एंड गेट, फिर आता है और गेट, और फिर आता है नॉट गेट। ठीक है, तो इसका लॉजिक पीएलसी में कैसे आप अप्लाई करते हैं वो मैं सिखाऊंगा आज आपको। तो सबसे पहले एंड गेट देखते हैं दोस्तों, एंड गेट कैसे काम करता है। देखिए, जैसे कि आपके पास है, ये मान लीजिए एंड गेट है, ठीक है, और इसमें दो इनपुट हैं ए और बी, और यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, अब ए और बी दो इनपुट हैं तो उनके कुछ कॉम्बिनेशन बनते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। इनके आउटपुट आपके क्या आएंगे अगर आप एंड गेट के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो आपके आउटपुट जो आएंगे वो आएंगे 0 0 0 और 1। ठीक है, तो यानी कि जो एंड गेट है उसमें जब ए और बी इनपुट को आप हाई रखेंगे तब आपका आउटपुट आएगा 1। ठीक है, आउटपुट यहाँ पे रहता है ए डॉट बी के बराबर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यही चीज़ अगर आपको मैं एक तरह से स्विच के फॉर्म में बनाऊँ तो कैसे बताऊँगा। देखिए, यही चीज़ स्विच के फॉर्म में अगर मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वी, और यहाँ पर दो स्विच लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको क्या चीज़ पता चल रही है। मान लीजिए कि 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। 0 0 का मतलब यहाँ पर आप मान लीजिए दोनों स्विच ओपन है, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर कुछ आउटपुट आएगा, यहाँ पर करंट आएगी? आप देखेंगे 0 करंट आएगी, यानी कि एलईडी ग्लो नहीं होगी। तो यहाँ पर पहली आपने केस चेक कर लिया। दूसरा, अगर आप केस चेक करेंगे, एक स्विच ओपन है और एक स्विच मैंने बंद कर दिया तो भी आपका आउटपुट 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ रहा था। अगर मान लीजिए ये वाला स्विच आपका बंद है और ये वाला ओपन है, ठीक है, तब भी आपका 0 आएगा। लेकिन जब दोनों स्विच आपके बंद होंगे तब आपका आउटपुट 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पाथ मिल जाएगा एक, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने आपको बताया अभी कि दो स्विच को आपने सीरीज में लगा दिया, तो ये एक तरह से आप अगर देखेंगे तो ये एंड गेट को ही शो कर रही है। यहाँ पर किसको शो कर रही है? एंड गेट को, क्योंकि वही वाला सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वी। और गेट को अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो और गेट की टेबल हम लोग देख लेते हैं। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम किसका, ये हो गया सर्किट डायग्राम एंड गेट का, क्योंकि हमने देखा अभी ये वाली जो सर्किट है वो हमारी टेबल को फॉलो कर रही थी। तो ये हो गया एंड गेट का सर्किट डायग्राम। अगर मैं ये चीज़ में क्यों बता रहा हूँ स्विच के फॉर्म में, क्योंकि यही पीएलसी में स्विच ही यूज़ होते हैं, ठीक है, लैडर में। अब हम लोग बात करते हैं आगे, अब हम बात करते हैं और गेट के बारे में। और गेट में क्या होता है आपका, मान लीजिए ए है, बी है, ये दोनों इनपुट 0 हैं, 0 1 1 0 1 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा आपको 1, यहाँ पे मिलेगा आपको 1, यहाँ पे मिलेगा 1, ये आउटपुट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। और अगर इसको आपको सर्किट के फॉर्म में अप्लाई करना हो तो आप कैसे अप्लाई करेंगे बताइए, दिमाग लगाइए कि दोनों जब स्विच ओपन हो तब आउटपुट 0 आए,
लेकिन अगर कोई एक स्विच भी क्लोज्ड है तो आपका आउटपुट 1 आ जाए। यही तो बेसिक लॉजिक है और गेट का। तो आप कैसे दिमाग लगाएंगे, मान लीजिए आपने ऐसे दो स्विच लगा लिए पैरेलल में, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया और यहाँ पे आपका मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब बताइए और गेट का बेसिक लॉजिक क्या था, कि भाई कोई भी मेरा स्विच अगर बंद है, यानी कि किसी भी इनपुट पर अगर 1 है तो मेरा आउटपुट 1 आएगा। यही तो था, 0 0 0 1 1 0 1 1, इसके लिए आउटपुट क्या था, 0 था, इसके लिए 1 था, इसके लिए 1 था, इसके लिए 1 था। यानी कि अगर एक भी सिंगल इनपुट मेरा 1 है या दोनों इनपुट भी 1 है तो भी 1 आएगा, और अगर सिंगल इनपुट भी मेरा 1 है तो भी 1 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये स्विच बंद कर दिया जाए पहला वाला और दूसरा वाला ओपन है, मतलब क्या हो गया, 0 1 हमने कर दिया, तब भी आपकी करंट ऐसे करके पास हो जाएगी और LED ग्लो हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको ओपन कर दिया, इसको क्लोज़ कर दिया, तो भी आपकी LED ग्लो होगी। अगर दोनों क्लोज़ कर दिए तो भी आपकी LED ग्लो हो जाएगी, पाथ मिल जाएगा। तो ये और गेट का इम्प्लीमेंटेशन था। अब PLC में दोस्तों कैसे करते हैं, देखिए ये सब मैंने आपको बताया ताकि बेसिक थोड़ा स्विच वाला क्लियर हो जाए। देखो PLC में क्या होता है, एक ऐसे करके स्विच होता है आपके पास, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली मली ओपन स्विच, नॉर्मली ओपन स्विच, और एक आपके पास होता है नॉर्मली क्लोज स्विच। अब दोस्तों क्या होता है, ये स्विच ऐसे होता है, लेकिन फिजिकली आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बटन सा होता है, ऐसे करके बटन होगा। इसको आप जब बटन को प्रेस करेंगे, जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तब ये स्विच आपका पाथ दे देगा, मतलब ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, जब आप बटन को प्रेस करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये नॉर्मली तो स्विच क्लोज ओपन रहता है, लेकिन जब भी आप इसका बटन प्रेस करेंगे ये क्लोज हो सकता है, तो नॉर्मली ओपन स्विच है ये। अब ये कैसा स्विच है, ये नॉर्मली तो क्लोज रहता है, मतलब नॉर्मली आप पाथ देता है ये, मतलब यहाँ से अगर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर करंट पास करेगा, लेकिन जब आपने इसका बटन दबा दिया तब ये ओपन हो जाता है। तो इन दोनों का यूज़ कर करके ही हम सारे गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, और आउटपुट को आपको कुछ ऐसे करके दिखाएंगे, ऐसे करके दिखाते हैं, ठीक है। ये होता है आउटपुट, इसका एड्रेस हमें देना पड़ता है 0.0.1 ऐसे करके, ठीक है, 0.0 0.1 0.2 ऐसे करके आउटपुट देना पड़ता है। आउटपुट यानी कि LED होती हैं, वो ग्लो करती हैं। अब देखिए सिंपली मैं बताता हूँ आपको बेसिक हम कैसे बनाएंगे। जैसा कि मैंने सर्किट डायग्राम बताया था आपको एंड गेट का, उसी तरह से यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको क्या करना है, एंड गेट बनाना है, एंड गेट। अब आप खुद भी ट्राई कीजिए कि स्विच के द्वारा, नॉर्मली ओपन स्विच और नॉर्मली क्लोज स्विच के द्वारा आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको एक बार फिर से वो वाला बना देता हूँ कि एंड गेट में 0 0 0 1 1 0 1 1 तो आएगा 0 0 0 1, ठीक है। ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करनी है नॉर्मली क्लोज स्विच और नॉर्मली ओपन स्विच के द्वारा। तो यहाँ पे है ए डॉट बी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, वाई है आउटपुट और ए डॉट बी है इनपुट। तो हम देखिए ऐसा कर सकते हैं, देखिए पहले सबसे पहले मैंने लगाया नॉर्मली ओपन स्विच, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा ए है, उसके बाद मैंने लगाया नॉर्मली ओपन स्विच, ठीक है, बी है ये मेरा, और आउटपुट मैंने लगा दिया यहाँ पे वाई, ठीक है, ऐसे करके बना दिया। अब आप मुझे बताइए क्या ये हमारे एंड गेट की तरह काम करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बटन दिया होगा एक, ऐसे करके बटन है, ऐसे करके बटन है, क्योंकि ये इनपुट है और इसको आपको प्रेस करना है। 0 0 का मतलब है कोई भी बटन प्रेस नहीं किया हुआ आपने, ठीक है। 0 1 का मतलब है ये यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, इसका मतलब ये है आपने ये बटन प्रेस कर दिया, इसको इनपुट 1 दे दिया, इसको इनपुट 1 दे दिया, तब इसने रास्ता दे दिया। लेकिन इस रास्ते का क्या कोई फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि आउटपुट मान लीजिए कुछ चीज़ यहाँ से करेंट यहाँ से आ रही थी और यहाँ पर ही करेंट को रोक दिया गया तो ये आउटपुट पर नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो 0 1 का मतलब आपका आउटपुट 0 आ गया। अब आपने 1 0 दिया, 1 0 यानी कि आपने
यहाँ पर वन दिया, वन दिया मतलब इसको प्रेस किया, तो ये वाला जो पाथ है ये क्लोज हो गया, ये वाला पाथ ओपन है। तो भी देखिएगा आप करंट नहीं जा पाएगी, क्योंकि चलो यहाँ से करंट पार हो गई, वैसे तो ओपन है यार इतना समझ लो, ठीक है यहाँ से ओपन है तो करंट नहीं जा पाएगी, फिर आउटपुट जीरो आ गया। और अगर दोनों स्विच को आपने दबाए रखा तो दोनों पाथ दे देंगे, तब आपका आउटपुट जो आ जाएगा वो वन आएगा। तो ये बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है दोस्तों, ठीक है यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ रही होगी। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो स्विच की बात मैं कर रहा हूँ वो आप एक बार दबाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये स्विच है मेरे पास, कोई स्विच लेता हूँ मैं, ये मान लीजिए एक स्विच है, ठीक है इसको मैंने जब तक प्रेस करूँगा तब तक ही ये क्लोज रहेगा, ठीक है जैसे मैंने प्रेस किया तब तक ही ये क्लोज रहेगा, जैसे ही छोड़ दिया वैसे ही ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पुश कर जैसे दवा, आपको अगर वन इनपुट देना है इसमें तो आपको दबाए रहना पड़ेगा स्विच, ठीक है। अब ए और बी वाई, इसका एड्रेस दिया जाता है, ऐसे नहीं कहते कि ए बी सी, है ना। तो इसको हम लोग ए को कैसे लिखते हैं पीएलसी में, तो आपका ये एंड तो गेट तो बन गया, ऐसी पीएलसी में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो आउटपुट, पर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा I0.1, ये इनपुट का एड्रेस है, I0.2 और Q0.0 दे दो, ठीक है। तो ऐसे करके आपका पीएलसी में आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। अब ये जो चीज़ें हैं इसके लिए एक ऐप है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ऐप अगर आप मोबाइल पर ही दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं सबसे अच्छी बात है, और मोबाइल पर ही पीएलसी की प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज में भी अगर आपकी व्यवस्था हो तो वहीं पे करो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐप के थ्रू भी ये चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम और गेट को डिज़ाइन करें, अच्छा ये जो मेथड है बार बार लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में एक डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि और गेट में क्या होता है, ए बी वाई 0001101 0111, ठीक है इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैंने आपको सर्किट डायग्राम से बताया था कि दो स्विच आप पैरेलल में अगर लगा दें, एक बार फिर से देखते हैं, जैसे सर्किट डायग्राम में देखा था हमने कि हम लोग ऐसे करके पैरेलल में दो नॉर्मली ओपन स्विच लगा सकते हैं और आउटपुट दे दो, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट एड्रेस दे रहा हूँ I0.0, I0.1 और Q0.0। अब यहाँ से आपको क्या पता चला, देखिए इससे देखिए आप फिर से यही चीज़ करके देखिए, क्या ये जो मैंने बनाया है ये और गेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्या। मान लीजिए यहाँ से कोई आउटपुट आपकी करंट आ रही है, आप ऐसे मान सकते हैं जो एलईडी को आपको जलाएगी, आपने क्या किया इस स्विच को बंद किया, दोनों जीरो जीरो, देखो जीरो जीरो का मतलब कोई स्विच नहीं बन, कोई स्विच नहीं दबा हुआ, ठीक है जीरो जीरो मतलब कोई भी स्विच आपने प्रेस नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपको मिलेगा आउटपुट जीरो, एक भी स्विच आपने दबा दिया तो आपकी करंट, यहाँ से मान लीजिए एक स्विच दबा दिया आपने तो आपकी करंट को पाथ मिल गया ना यहाँ पे, देखिए यहाँ से ऐसे करके चली जाएगी और एलईडी ग्रो कर जाएगी, ये आउटपुट है। आउटपुट में आप एलईडी लगा सकते हैं, बल्ब लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हैं। आउटपुट मतलब एक तरह से ये दिखाता है कि हमारा पीछे से जो पाथ है वो हमें मिल रहा है, मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी करंट फ्लो कर जाएगी, और अगर एक भी इनपुट आपका वन है तो आपकी करंट फ्लो कर जाएगी, जैसे कि मान लीजिए ये इसको आपने प्रेस नहीं किया हुआ और इसको प्रेस कर दिया तो ये बंद हो जाएगा और यहाँ से आपकी करंट निकल जाएगी ऐसे करके, ठीक है आपको आउटपुट मिल जाएगा, और दोनों बंद हो गए तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपको बताती है एक तरह से और गेट के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट एक चीज़ बताता हूँ जो आपको मज़ा आएगा सुनने में, ठीक है, ताकि डायरेक्ट आप इस चीज़ को कर सकें। जैसे कि आपको वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी बनाना पड़ता है, किसमें एंड गेट में, और वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी आपको बनाना पड़ता है और गेट में, ठीक है। तो जब भी आपके पास डॉट हो तो आप स्विच को नॉर्मली ओपन स्विच को, क्योंकि यहाँ पर किसी पे बार नहीं है सिंपल है, नॉर्मली ओपन स्विच को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे डॉट हो जब, तो जैसे ए और बी, ठीक है, और इसके साथ आउटपुट लगा दो, ये हो गया आपका और गेट, ठीक है। और जब भी प्लस हो बीच में तो पैरेलल में कनेक्ट करोगे,
ठीक है, तो ऐसे आप किसी चीज़ का भी बना सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन अगर मैं आप दे दूँ तो उसका आप लॉजिक बना सकते हो। यहाँ पे मैंने आउटपुट लगा दिया Q0.0, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि आप डिज़ाइन करो एक, आपको मान लो ये बनाना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आपके क्या है इनपुट, ए इनपुट है, बी इनपुट है, सी और डी इनपुट है, ये आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे, ए डॉट बी सी डॉट डी, आपको पता है जब डॉट होता है तो क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ए डॉट बी, ठीक है, प्लस के लिए पैरेलल में चले जाओ और सी डी, क्योंकि ये दोनों में बीच में डॉट है तो ये सीरीज में रहेंगे। तो ये आपका लॉजिक आप डायरेक्टली ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मैंने इसलिए नहीं बताया, डायरेक्ट बताने का कोई मतलब नहीं रहता फिर, मतलब आप अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती, तो ये चीज़ है। इस तरह से आपके कोई भी गेट डिज़ाइन किया जा सकता है। अब जैसे एक गेट और रह गया, नॉट गेट आपको बताना है। नॉट गेट क्या होता है, अगर आपने इस स्विच को, जैसे मान लीजिए इनपुट है आपका ए और आपको आउटपुट मिला वाई, तो वाई जो होगा वो ए बार के बराबर होगा, तो या जब आप स्विच को प्रेस नहीं करेंगे, जीरो रखेंगे, तब आउटपुट आना चाहिए, और जब आप स्विच को प्रेस करेंगे तो आउटपुट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये रहता है इनके। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप ए बार को बना रहे हैं तो आप डायरेक्टली एक काम करिए ना, नॉर्मली क्लोज स्विच का यूज़ करिए और आउटपुट लगा दीजिए यहाँ पर Q0.0, ठीक है, I0.0। तो यहाँ पर आपको आउटपुट कैसे मिलेगा, देखिए ये नॉर्मली क्लोज स्विच है, मतलब ये बंद है पहले से ही, तो जब भी आप इस स्विच को प्रेस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ से आउटपुट पास हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये क्लोज ही रहता है, और जब आपने इसका बटन दबाया तब ये स्विच ओपन हो जाता है, तो स्विच ओपन हो गया यानी कि आउटपुट जीरो मिलेगा। तो पहले स्विच जब नहीं दबा रहे थे तो आउटपुट वन मिल रहा था, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज रहता है, और जब आपने बटन को प्रेस किया यानी कि वन कर दिया, तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगा, क्योंकि जब बटन दबाया इसका मतलब है कि ये ओपन हो गया, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी इसमें हम लोग बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।